हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट से आई हुई साइकोलॉजी और सोशल वर्क की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, वन बाय वन सारे वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जो कि स्पेशल एजुकेटर के लिए है। फ्रेंड, उसके बाद आइए नेक्स्ट वैकेंसी देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट सोशल वर्कर। तो फ्रेंड, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? वन है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में या फिर साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बताया कि एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसिलिंग। तो फ्रेंड, आपके पास यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस काउंसिलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड, आपके पास मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एरिया ऑफ वुमन चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्राम फंक्शनिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसेंशियल। तो फ्रेंड, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड, यहाँ बताया कि आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस वैकेंसी में आपको सैलरी कितनी मिलेंगी? 30,000 पर मंथ इतनी सैलरी मिलेंगी। फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी भी देखते हैं क्या है। पोस्ट है नॉन मेडिकल प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पार्ट टाइम 48 hours इन अ मंथ। और टोटल पोस्ट कितनी है? 1 है। आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड, आपके पास MPhil होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ RCR रजिस्ट्रेशन। तो RCR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो हैविंग 2 ईयर और मोर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपके पास 2 साल और 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको सैलरी कितनी मिलेंगी? 30,000 पर मंथ इतनी मिलेंगी। अगर आपके पास 2 साल या 2 साल से कम एक्सपीरियंस होगा तो आपको सैलरी 28,000 पर मंथ इतनी मिलेंगी। और इन दोनों कंडीशन में आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अदर प्रोफेशनल इन स्पीड थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। फ्रेंड, यहाँ पे सैलरी देखो, आपको 27,000 पर मंथ मिलेंगी। अगर आपके पास 2 साल और 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर 2 साल से कम है तो आपको सैलरी 25,000 पर मंथ इतनी मिलेंगी। फ्रेंड, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, अगर आपका बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में हुआ है तो आप इस वैकेंसी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड, अभी देखते हैं इस वैकेंसी कहाँ से आई है। फ्रेंड, ये वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रीजनल सेंटर मोहाली। फ्रेंड, ये वैकेंसी पंजाब स्टेट से आई है। अभी देखते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए है, वो एक बार हम देख लेते हैं। फ्रेंड, ये PDF के नीचे ये अप्लीकेशन फॉर्म दिया है, और अप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले प्रिंट निकालिए, फॉर्म फिल कर देना है, और इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एड्रेस दिया है फ्रेंड, एड्रेस आप नोट डाउन कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर NIPCCD रीजनल सेंटर सेक्टर 79 AS नगर मोहाली पंजाब। ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे विद इन 15 डेज आपको ये सेंड कर देना है बाय पोस्ट। फ्रेंड, इस वैकेंसी को अप्लाई करने की लास्ट डेट कितनी है? 6 June 2022 है। फ्रेंड, ये सारी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो यहाँ पे बताया कि रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्पेशल एजुकेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट सोशल वर्कर। तो फ्रेंड, ये 2 पोस्ट में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल इंटरव्यू होगा, मतलब 2 पोस्ट कौन से बताए उन्होंने? देखो, ये पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्पेशल एजुकेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट सोशल वर्कर। यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा? ये आपको जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल के माध्यम से या कॉल लेटर आ सकता है आपको स्पीड पोस्ट से, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। फ्रेंड, काफी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर देना। आप कोई भी स्टेट से हो, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड, इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।